विधानसभा में SYL नहर निर्माण को लेकर, रोजगार को लेकर, मेवात जैसे जिलों को प्रदेश की जनता के जनहित के मुद्दे विधानसभा में उठा रहे थे, तो वहां पर भाजपा के मंत्री व कांग्रेस के विधायक हंस रहे थे। यह कहना है नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का। क्या तरीका है निकालने का? 75 आम के ऊपर भी 25% का मुनाफा अपने चेते को दे देंगे। तो सर बिजली के बिल आदि करने की बात की गई थी। हमारी पार्टी के द्वारा एक फैसला है, अब हमारी सरकार बनने के बाद हम जो है तेलंगाना की तर्ज के ऊपर किसान की फसल की बिजाई का जो लागत मूल्य आता है, चाहे वो 4,000 रुपया होगा चाहे वो 5,000 रुपया हो गया, हम पर एकड़ के हिसाब से उस किसान को सरकार बनने के बाद लागत मूल्य जरूर देंगे। वो कल को इस बात को लेकर के चिंता ना करनी पड़े कि कल तेरी फसल खराब होगी तो तेरे को लागत मूल्य के पैसे कहाँ से मिलेंगे। हम एडवांस में उसको देंगे कि तू अच्छा खाद खरीद, अच्छी बीज लेकर क्या, अच्छी ढंग से इसकी जमीन की बुआई कर। इसके लिए उसको हम चाहे 4,000 देना पड़े चाहे 5,000 देना पड़े, जितना यहाँ लागत मूल्य आएगा उतना लागत मूल्य देंगे। सर मुख्यमंत्री मान के चलो, आज बहुत लोगों ने फेक आईडी बना रखी, बहुत लोग उस फेक आईडी के माध्यम से गलत तरह के मैसेज पोस्ट करते हैं, बहुत लोगों पे गलत आरोप लगाते हैं, बदनाम करते हैं। मुख्यमंत्री को तो इस बात के ऊपर एक्शन लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो खुद ये बात अपने भाषण में कही और मीडिया ने इसको छापा था। को ये दिखाना चाहता है कि मैं इन सब चीजों के बड़ा खिलाफ, इसके लिए तो माफी मांगनी चाहिए। हरियाणा में उसके ऊपर तुरंत जो है एक्शन होने चाहिए। जो लोग फेक आईडी चला रहे हैं उनके खिलाफ साइबर क्राइम के तहत मुकदमे दर्ज करके उनके साथ सख्ती करनी चाहिए। जिला कैथल थाने में जाऊंगा, जो हरी चुनरी चौपाल कर रहे उनसे जाकर के पूछो, गोपाल कांडा से हाथ मिला रहे हो तो तुम्हारी हरी चुनरी चौपाल के मायने क्या रहे? एक तरफ माताओं और बहनों को सुरक्षा देने की बात की जाती है और दूसरी तरफ उन लोगों के साथ हाथ मिलाए जाते हैं जिन्होंने पहले बच्चियों को नौकरी दी, बुलाया, बरगलाया, फसलाया गया उनको, फिर उनके साथ रेप किया गया, रेप करके जब वो प्रेग्नेंट होगी तो फिर उनको शादी करने की बजाय, उनको बच्चों को पैदा करने की बजाय, उनको अपना नाम देने की बजाय उनको मौत के घाट उतार दिया। इससे ज़्यादा बड़ा कलंकित और कुछ नहीं हो सकता। सर अशोक तो उन्होंने हाथ मिलाने थे तो फिर हरी चुनरी चौपाल नहीं करनी थी, फिर माताओं की बात नहीं करनी थी, बहन और बेटियों की बात नहीं करनी थी। कर्जे माफ नहीं करेंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने के बाद चाहे 10,000 का कर्जा होगा किसी पे और चाहे 10,00,000 का कर्जा होगा, छोटे दुकानदार का, कमेरे का, किसान का कर्जा 100% माफ करेंगे। कितना टाइम देंगे? लोग तो कहते ना 2 घंटे लगाएंगे, 4 घंटे लगाएंगे, 6 घंटे लगाएंगे। हम तो कर्जा माफी का जो प्रस्ताव है, जहाँ ओथ होगी, जहाँ ओथ के सिग्नेचर किए जाएंगे, वहीं मंगा करके साथ के साथ कर्जा माफी का भी ऐलान कर देंगे। सर मिशन दो है, प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है जाकर के अपनी बात कहने का। ये तो लोगों ने तय करना है कि किसके ऊपर विश्वास और भरोसा करके आने वाले समय में उसको सत्ता तक पहुंचाना है। इनेलो को कहां पार्टी? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जब भी सत्ता में रही है लोगों के कल्याणकारी काम किए हैं, लोगों को लाभ मिला, अब लोगों का विश्वास बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे है। आजकल तो आप ये मान के चलो कोई 500 रुपए देता है, कोई 200 रुपए देता है, कोई मोटरसाइकिल का पेट्रोल देता है, तो उसने शाल बांट ली तो गुनाह कर दिया। ठीक है सर, थैंक यू।